दिखा देते हैं। मैं पूरा टेबल हमने भर दिया है, इतने पटाखे हैं ना। ये देखो एक येरी, एक येरी भाई हमारा जो फेवरेट कोऑर्डिनेशन कंपनी का रॉकेट, और ये वाले डब्बे में तीन है। ये हम चलाएंगे दिवाली वाले दिन नहीं। और यहाँ पर ना टोटल 12 शॉट हो गए, तो 12 अलग अलग शॉट जाएंगे अलग अलग कलर के। तो ये क्या होता है कि जब भी ये पटाखे चलाते हैं ना लाइट आती है, लेकिन ना हमारे फेवरेट बुलेट पटाखे की जो है डक ब्रांड का ये रहा। हे गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और नए व्लॉग की शुरुआत हो गई गाइज, और ना दिवाली आने वाली है, तो दिवाली के हम पटाखे ले आए थे, आपने वीडियो देखी होगी। तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखी ना चैनल पे जाके देख लेना। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं हम जितने पटाखे लेके आए थे ना, वो कट्टा ये रहा, ठीक है। और कट्टे में कितने पटाखे हैं आपको एक एक करके दिखाएंगे, लेकिन पहले हम लेके आते हैं टेबल, या टेबल रखेंगे, टेबल के ऊपर पटाखे रखेंगे। और जो टेबल है वो भी आ रही है, देख लो भाई, धीरे धीरे लेके आना कहीं लग ना जाए। ओ धीरे 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 भाई, वहां मत रखो, यहाँ रख ले, यहाँ खाली है और यहाँ पे धूप भी नहीं आएगी, ठीक है। अरे फिर दिखा देते हैं, मैं निकालूंगा। चल तू निकाल लियो, लेकिन तू चलाएगा नहीं कोई भी। हाँ। भाई क्योंकि अगली जो वीडियो आएगी वो आएगी टेस्टिंग। हाँ तो वो छोटे मोटे भी नहीं चलाएगा। तो भाई अभी जितने पटाखे है ना, तो एक एक करके पटाखे निकालते हैं और यहाँ रखते हैं पहले, और आपको दिखाते हैं क्या क्या है। भाई एक एक लाइन में लगा देना, ठीक है। तो भाई देख लो यहाँ पर पूरा टेबल हमने भर दिया है, और इतने पटाखे हैं ना कि ये देखो आ ही नहीं रहे। अभी नीचे भी रख दिए थोड़े बहुत, येलो यहाँ रख देना, यहाँ ऊपर रख दे। हाँ भाई एक बार रखने देते हैं, फिर आपको बताते हैं एक करके हम कितनी चीजें लेके आए हैं। अभी ये देख लो ये पूरा टेबल भर गया है यहाँ पर। और जब जब पिछली बार हम पटाखे लेके आए थे 2023 में, हमारे इतने पटाखे नहीं थे, बहुत कम पटाखे थे, आधा टेबल भी था, मतलब हमने थोड़े ना ये फैला के रख दिए थे। लेकिन अब की बारी देखो, अब इतने पटाखे है कि मजा आ जाएगा दिवाली वाले दिन। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना तुम दोनों को, देख तू भी छोटा है, ये तो है ही छोटा। पटाखे जो भी चलाओगे ना, देखो एक पोप पोप हो गए फेंकने वाले वो अलग बात होगी, लेकिन जो भी पटाखे जलाने वाले होते हैं वो भाई अकेले मत जलाना, मतलब हाँ अकेले मत जलाना, कोई बड़ा होना चाहिए वही जला के तेरे को देगा, ठीक है। खुद ना जलाना, कर लूंगा जैसे मर्जी इसको गा दो। मैं भाई दोनों को कह रहा हूँ, कोई बड़ा होगा ना भाई फिर ही चलाओ, फिर ही अच्छा है। और अभी ये पटाखे आपको दिखाते हैं, हेलीकॉप्टर को जाने देते हैं पहले। भाई एक बम है हमारे पास, आजा ले ले। भाई मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूँ कहाँ पर मतलब शुरू करूँ, लेकिन चलो कर ही देते हैं। तो भाई जो शुरू करेंगे हम छोटे पटाखे करेंगे, जो है पोप पोप। पोप पोप भाई ये देखो ये पटाखे है, और ये पटाखे में क्या मिलता है वो आपको दिखाता हूँ पहले। ये देखो ये पोप पोप है, और ये पटाखे ना हम मतलब नीचे फेंकते हैं, कोई जलाने नहीं होते ये पटाखे को, खाली फेंकने होते हैं। हाँ ये फेंकने वाले पटाखे है, छोटे छोटे पटाखे हैं। तो ये एक डब्बा है, ये देखो हमने एक यूज भी कर रहा है डब्बा दो तीन दिन पहले। तो भाई ये एक पटाखे हो गए, ठीक है। और हाँ एक यहाँ पर है कोबरा वाले, ये रे भाई ये पटाखे को अगर हम जलाते हैं ना तो क्या होता है जग्गू ही बताएगा, ब्लैक कलर का। हाँ और ये डब्बी के अंदर, एक डब्बी के अंदर पांच होते हैं पटाखे, पांच मतलब गोलियां होती है छोटी छोटी, और ये पूरा पैकेट होता है। हाँ तो भाई एक हो गया ये, फिर आती है छोटी फुल जड़ी जो है ये वाली, ये देखो ये छोटी है, और एक हम बड़ी भी लेके आए थे जो बड़ी है ये वाली, ये देखो भाई ये तो हैवी बहुत है, पता नहीं क्यों ये नीचे को जा रही है। ये रखना पकड़ी एक बारी, ये रख ये रख, ये इधर को जा रही है, बहुत ज्यादा हैवी है, इधर की तरफ हैवी है। अब ये आगे हेंटर जो नाम है जिल जिल, जिल मिल तो देखा था, जिल जिल, जिल जिल पहले देखा। भाई एक हो गए हेंटर, ठीक है। ये हो गए टोटल छोटी मोटी आइटमें जो बच्चे जलाते हैं, ठीक है। और भाई एक चीज को हम भूल गए, जो लोगों के फेवरेट होते हैं मैजिक पॉप, ये होते हैं चटर पटर जो हम जलाते हैं और टक 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 करके आवाज आती है ना भाई, ये भी गोलियां होती है। और ये मैंने ना अभी तक खोल के नहीं देखा क्योंकि एक ही पैकेट लेके आए थे ये वाला, तो अभी ये है, ठीक है। आपने को आपको मैंने जितनी आइटम दिखाई ना ये होगी छोटी आइटमें, फिर आती है थोड़ी अच्छी आइटमें मतलब पटाखे में। तो पहला जो पटाखा आता है वो होता है बिजली पटाखे का, जो है ये वाला। और ये पैकेट में कितने पटाखे मिलेंगे वो तो पता नहीं, लेकिन दिखा देता हूँ एक बारी, निकालियो। ये लिखा हुआ है ना, देखो बिजली क्रैकर 100 पीस होते हैं। हाँ तो ये देखो ये डक ब्रांड का ये है बिजली पटाखे का, और ये देखो ये पटाखे है। तो एक पैकेट हम ये पूरा लेके आ गए थे ये पटाखे का भाई, ये थे बिजली पटाखे। और एक और चीज आती है जो होते हैं
लड़ी, छोटी छोटी लड़ी होती है, बिजली बढ़ा के वही लड़ी होती है। और ये लड़ी को क्या कहते हैं ये तो नहीं पता, लेकिन नाम ऊपर लिखा होता है तुर्की, आई थिंक ये तुर्की कहते होंगे ये चीज को, यहाँ पर भी लिखा हुआ है तुर्की। ये है राजा कंपनी का ब्रांड, ये है कुमार कंपनी का ब्रांड, भाई दोनों अलग अलग ब्रांड है लेकिन दोनों के ऊपर बिल्कुल मैच मैच करता है, दोनों इक्वल लगते हैं, क्योंकि ऊपर ना ये बनाया हुआ है मुर्गा भाई। एक ये होती है लड़ी, तो हमने ना जब रावण बनाया था रावण में यही लड़ियाँ लगाई थी हमने, और पटाखे ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे चलते हैं। ठीक है, ये होगी लड़ियाँ जो हम लेके आए थे, टोटल आई थिंक देख लो आप, ये पूरी लड़ी है और ये भी पूरी लाइन है भाई, मतलब ये भी लगा लो कि आई थिंक हो गए 30 या 40 हो गए आई थिंक, क्योंकि हमने थोड़े बहुत यूज भी कर लिए तो आई थिंक 30 या 40 ये बच्चे हो गए। फिर आती है फिरकरी, पहले आता है छोटा चक्कर जो है ये वाला, ये देखो ये जितने पटाखे नीचे चलने वाले हैं गोल गोल, तो भाई देखो आपको दिखा देता हूँ, ये देखो ये जो है छोटी गली ये होती है इतनी, ये देखो निकाल के दिखा देता हूँ छोटी, ये छोटा चक्कर है। और फिर आते ये दो डब्बी है हमारी, ये देखो एक येरी एक येरी, अब आती है ये वाली फिरकरी की बारी, ये बड़ी वाली, ये बड़ी वाली है। ये देखो निकालना एक भाई, ये वाली है, ये चीज की क्वालिटी अच्छी लग रही है, ये देखना यहाँ पर ये लगा हुआ है चक्कर बीच में, ये चीज की क्वालिटी अच्छी है। और भाई फिर आते हैं ये वाली, एक डब्बी हम ये लेके आए हैं, पर आखिरी में आती है बड़ी डब्बी जो है ये वाली, और क्या कंपनी है, अकॉर्न कंपनी की है जो है ये वाली, ये सबसे बड़ी है, ये जो लेके आया ना चक्कर ये ज्यादा बड़ा है और क्वालिटी भी अच्छी है, और ये भी अभी तक ना कुछ भी हमने ट्राई नहीं करा, ट्राई करेंगे एक एक करेंगे ट्राई, लेकिन बाद में। भाई ये तीन हो गए चक्कर, एक दो और तीन, तीन हो गए चक्कर। फिर आते हैं अनार, जो हमारे पास दो डब्बे है, एक अनार का ये वाला डब्बा है, ये देखो ये कंपनी है RR ब्रांड, और एक ये वाला अनार है जो है छोटे, और एक अनार का डब्बा है ये वाला जो है मटका अनार, बड़े डब्बे। और ये देखो भाई ये जो कंपनी है ये है गुड़िया फायरवर्क, और इनके भी जो अनार अच्छे हैं मैंने क्योंकि यूट्यूब पे बहुत देखे हैं, तो हाँ अनार जो ये वाली मटके आते हैं ना ये लिमिट में आते हैं, ये देखो ये पांच वाला डब्बा है, और ये जो है अनार ये छोटा वाला, ये वाला RR का ना ये छोटा है, मतलब छोटे वाले हम लेके आए दो डब्बिया, बड़ी वाले जो मटका ना रहा है वो एक ही डब्बा है, ये रखो भाई। हमारा जो फेवरेट कोऑर्डिनेशन कंपनी का रॉकेट, कोऑर्डिनेशन कंपनी के बहुत अच्छे अच्छे रॉकेट होते हैं, तो अभी तक ये भी हमने कुछ भी एक भी जला के नहीं देखा, कोऑर्डिनेशन कंपनी का, ये रखो। और एक डब्बी के अंदर ना 10 होती है रॉकेट, 10 रॉकेट भाई, मजा आएगा ये भी जब हम जलाएंगे। और ये कोऑर्डिनेशन कंपनी का, ये देखो भाई कोऑर्डिनेशन कंपनी के ना हमेशा पटाखे अच्छे निकले हैं, अच्छे होते हैं, और ग्रीन क्रैकर भी होते हैं ये वाले भाई, ये देखो ये ग्रीन क्रैकर का, जो अगर आपको नहीं पता होता ना तो यहाँ देखो हर पटाखे के नीचे ना ये लगा होता है, ये देखो ग्रीन फायरवर्क, ये देखो ये लिखा हुआ है ना, तो ये चीज ये हर एक पटाखे में आपको मिलेगा, ये देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ठीक है। और जितने भी पटाखे आपको होगा ना, ये देखो ये छोटी फुल जड़ी है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देखो ग्रीन क्रैकर, बुलेट बम इसके ऊपर भी लिखा हुआ है, ये देखो बुलेट बम भाई, मतलब ग्रीन क्रैकर वर्क का मतलब ये होता है कि वो पटाखे ठीक होते हैं, ज्यादा पोल्यूशन नहीं करते। तो ये था रॉकेट कोऑर्डिनेशन कंपनी का, ये स्काई शॉट, हाँ ये दो डब्बी है भाई, ये भी हमने अभी तक ट्राई नहीं करा, एक भी डब्बी नहीं खोली, तो क्या करें, जब ये अगली वीडियो में दिखाए ना दिखाए, दिवाली वाले दिन दिखाएंगे, एक जला के दिखा देंगे, ठीक है, एक जला के ये दिखा देंगे, एक डब्बा होगा ये वाला, एक नहीं एक्चुअली दो डब्बे है, दो डब्बे हो गए ये वाले, और अब बारी है बड़े पटाखे की जो है ये वाला। और भाई बड़ा डब्बा है ना ये, देखो ये है, ये भी ग्रीन क्रैकर है, ग्रीन फायरवर्क, और ये वाले डब्बे में तीन है, ये हम चलाएंगे दिवाली वाले दिन नहीं, ये पहले ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि ना हमने और भी लेके आने थे, अभी तक लेके नहीं आए, तो अभी एक ही डब्बा है, अगर एक डब्बा और आ जाएगा तो ये ट्राई करके दिखा देंगे, नहीं तो ये दिवाली वाले दिन ही ट्राई होगा, ठीक है। फिर आते हैं ये क्या चीज है, ये 12 शॉट होते हैं, वो स्काई शॉट ये लिखा हुआ है 12 मल्टी कलर। और भाई ये जो डब्बे है ना, ये दो डब्बे है, एक डब्बा ये वाला, यहाँ पर भी देखो लिखा हुआ है ग्रीन फायरवर्क, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है ग्रीन फायरवर्क, और ये ना एक ही कंपनी के है, डब्बे अलग अलग है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर भी ना डक ब्रांड है, ये भी डक ब्रांड है, ये ऊपर है, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखो तो भाई ये देखो ये ऊपर आपको फ्यूज दिख रहा होगा, ये फ्यूज को आग लगानी है, और यहाँ पर ना टोटल 12 शॉट हो गए, तो 12 अलग अलग शॉट जाएंगे, अलग अलग कलर के, अलग अलग कलर के, कोई व्हाइट होगा कोई ग्रीन होगा, तो भाई ये ना मल्टी कलर है, यहाँ लिखा भी हुआ है ना, ये देख कहाँ पर लिखा था, ये रहा 12 मल्टी कलर, तो भाई ये 12 कलर वाला है, ठीक है। तो ये हो गया इधर दोनों, ये हो गए ऊपर जाने वाले पटाखे, ठीक है, जितने भी आपको दिखाए। और हम ना एक फैंसी आइटम लेके आए थे, ये है फोटो फ्लैश, फोटो फ्लैश, ये मैंने ना आई थिंक 2023 में भी दिखाया था। तो ये क्या होता है कि जब भी ये पटाखे जलाते हैं ना,
तो बहुत ज्यादा लाइट आती है, लेकिन ना लेकिन मैं कहूँ तो ये जलाना ठीक नहीं है, ये आंखों के लिए ठीक नहीं है भाई। अगर ये जलाएगा ना, एक आपको दिखाएगा जलाकर, लेकिन मैं तो यही कहूंगा अगर आप ये पटाखा लेते हैं, अगर आप जलाते हैं तो पटाखे की तरफ मत देखना भाई, बहुत ज्यादा मतलब वो करता है, फ्लैश मारता है, आंखों के लिए ठीक नहीं है। मैं तो आपको रिकमेंडेड नहीं करूंगा, लेकिन अब लेके आए हैं तो आपको दिखा देंगे, ये भी ग्रीन फायरवर्क है। चलो भाई अब अगली बारी है हमारे फेवरेट बुलेट पटाखे की, जो है डक ब्रांड का। ये रहा ये पटाखे जो है, ये हम लेके आए हैं टोटल, ये डब्बी है 1 2 3 4 टोटल 10 थी डब्बी, हमने एक डब्बी यूज भी करके देखी थी, अच्छी थी। और डक ब्रांड के भी ना जितने पटाखे होते हैं अच्छे होते हैं, ग्रीन फायरवर्क है ये भी। और भाई ये डब्बी है बुलेट बम की, छोटे बुलेट बम है, इतने इतने होते हैं ये वाले छोटे। और अब बारी है हमारे फेवरेट आलू पटाखे की, जो है ये वाले ग्रीन क्रैकर। और ये देखो भाई ये कितने ग्रीन है ना, ये देखियो भाई हमेशा ब्लैक होते हैं, ये देखो ये कितने ग्रीन है, ग्रीन कलर में है। तो भाई ये हमारे पास अभी ना 2 डब्बी है, 3 डब्बी थी टोटल, लेकिन एक पटाखे हमने यूज कर लिया, रावण में लगा दिए रे। हाँ तो ये देखो भाई, हमने जब भी पटाखे लेके आए थे ना, जब दशहरा होता है दशहरे में भी थोड़े बहुत यूज हो गए हमारे पटाखे, तो ये हो गए। और अब आ रही है हमारे फेवरेट तोता पटाखा, मतलब ये हमारे फेवरेट ही होते हैं जितने भी है, ये हमारा हाँ ये है तोता पटाखा। और इसको हम खलारा बम भी कहते हैं, खलारा पटाखे भी कहते हैं। और एक पैकेट में कितने काउंट करियो एक बारी। तो भाई ये एक पैकेट में ना टोटल है 25 हो ना, ये दो तरह के है, आपको दिखाता हूँ, एक है बड़े और एक है छोटे। ये देख रहे हो ना कितना फर्क है, ये देखो भाई ये छोटे वाले भी है और यहाँ पर ये दोनों 25 पैकेट है। और टोटल हम लेके आए थे ये वाली 5 है ना लड़िया, हाँ तो 5 लड़िया ये वाली, एक लड़ी हम जला के दिखाएंगे, ये भी एक पूरा मतलब वो दिखाएंगे बंडल जलाकर। एक बंडल में कितने होते हैं, 5 होते हैं ना एक लाइन में, एक लाइन जला के दिखाएंगे आपको, ये भी बहुत जल्दी आएगी ठीक है। ये आपको दिखा दिए, ये आपको दिखा दिए, ये आपको दिखा दिए, जितने भी हो गए। और भाई जो रह गया है वो है कि आपका वीडियो को लाइक करना, तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि जितने जितने पटाखे हो गए मैंने आपको दिखा दिए है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, 1K लाइक का टारगेट है। हाँ 1K लाइक का टारगेट है भाई, हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जितने पटाखे वो अच्छे लगे होंगे। और भाई देखो मैं तो नहीं रिकमेंडेड करूंगा, जो लोकल कंपनी के ब्रांड आते हैं वो मत लेना, हाँ अगर लेने हैं तो कोऑर्डिनेशन डक ब्रांड ये कंपनी के लेना, ये अच्छे है ठीक है। अब देखो ये भी पटाखे है, ये मेरे को नहीं पता, लेकिन यूज करने के बाद पता लगेगा ये पटाखे कितने अच्छे हैं कितने नहीं, तो भाई ये भी पता लग जाएगा हमें। और एक ये वाला था है ना, एक ये भी यूज करेंगे, ये और ये तीनों चीजें मुझे मस्त लग रही है भाई। डक ब्रांड के तो अच्छे होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपनी के भी अच्छे होते हैं। बाकी भाई दिवाली आ रही है, हम तो यही कहेंगे कि दिवाली वाले टाइम फैमिली में रहो, दिवाली मनाओ अच्छी तरह, और पटाखों का ना गलत यूज बिल्कुल मत करो। फिलहाल ये देख लो यही पटाखे हम लेके आए थे, अगली जो वीडियो आएगी ना वो जग्गू बताएगा, अगली वीडियो आएगी, टेस्टिंग वाली। हाँ तो हम कोई पटाखे जो हमें पता है जो जलाने वाले हैं, एक एक डब्बिया निकाल कर हम एक एक चला के दिखाएंगे, और उम्मीद है आपको वो भी वीडियो अच्छी लगेगी। फिलहाल ये वीडियो को हम यही एंड करते हैं, आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे अगर आप पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और भाई जो हमारा टारगेट है वो तो आपको पता ही है, वो है 10K सब्सक्राइबर का और 1K लाइक का। हाँ ये वीडियो के अंदर।